बराबर ही पहुंच गए हो, मुझे तो भागना पड़ेगा तेरे साथ। फाइनली ये चबा रहे हैं और नहीं नहीं मैं खा चुका हूँ। और जो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेगा उसके साथ ही मैं एक चैलेंज जो है वो लेके आऊंगी। चार या पांच या छह इस बार कभी नहीं खाए, देखे ना। तो अमिता जी थोड़ी तेजी से खाइए आप, थोड़ा सा बोलते रहो ना मेरी बराबरी। मुझे ध्यान देना पड़ेगा, जोगिंदर नगर से पालमपुर पहुंचे हैं तो जोगिंदर नगर की लाज रखना पड़ेगी थोड़ी सी। हेलो हिमाचली फूडी क्वीन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पहुंच चुकी हूं लोहना में फेमस मोमो खाने, सूद मोमो कॉर्नर में हूं इस समय और पालमपुर के फेमस मोमो है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं, आज जो है मोमो का चैलेंज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये कितनी पुरानी शॉप है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सर ये कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 22 साल पुरानी। बहुत ही फेमस मोमो बनाए जाते हैं आपकी शॉप पर और काफी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। कौन कौन से मोमो यहाँ पर तैयार किए? वेज मोमो, पनीर मोमो, वेज स्टीम, वेज फ्राइड और नॉन वेज स्टीम, नॉन वेज फ्राइड और चाउमीन और थुक्का सूप और चिली पनीर। ऐसा है कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग जो है वो खाने आते हैं, तो क्या कुछ स्पेशल रहता है? चटनी कैसी होती है, किस तरह से तैयार करते हैं? चटनी तो बहुत बढ़िया होती है, चिली चटनी होती है। तो फ्रेंड्स सूद मोमो कॉर्नर में जो है वो बिल्कुल फ्रेश मोमो तैयार करते हैं उसी टाइम, तो आप देख सकते हैं इसीलिए सभी लोगों के ये पसंदीदा मोमो भी बने हुए हैं। उसी टाइम फ्रेश फ्रेश ये बना कर जो है लोगों को सर्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मोमो चैलेंज और मोमो चैलेंज में है हमारे साथ इस समय सी बालिया जी जो कि जोगिंदर नगर से हैं और हिमाचल फर्स्ट के ब्यूरो हैं। तो सी बालिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे साथ आप करने जा रहे हैं मोमो चैलेंज, तो कैसा लग रहा है? कविता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको और आज अचानक ही पालमपुर के दौरे में हम आप पहुंचे, आपसे मिलना हुआ, ऑफिस जाना हुआ और जो आपका यूट्यूब चैनल है हिमाचली फूडी क्यून अक्सर देखते रहते हैं, अलग अलग जो आप इसमें क्षेत्रों को कवर करते हैं, कई तरह के चैलेंजेस आप लेते हैं, अलग अलग जो लोगों को आप दिखाते हैं किस तरह से हमारे जो पकवान है, जो हमारे हिमाचली पकवान है, हर एक चीज़ आप दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज मौका मिला है, आपने जिस तरह से बात की कि मोमो चैलेंज करने का मौका मिला है, अक्सर मोमोज खाते रहते हैं अलग अलग जगहों में, हमारी एक आम सी बात होती है, यो तो सबके लिए आम सी बात होती है, लेकिन चैलेंज की आपने बात की कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो दिखाए जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से अलग अलग जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल्स हैं, किस तरह से जो तैयार किए जाते हैं ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे, तो आज मुझे मौका मिला है, चलो देखते हैं अब, और भूख भी लगी है और जल्दी मोमो चैलेंज शुरू करते हैं। और जी तो फ्रेंड्स आज हम चैलेंज करने जा रहे हैं और चैलेंज का ये रूल है कि अगर जो कम मोमो खाएगा बिल उसी को पे करना होगा। तो हम एक एक प्लेट मंगवा ली है और जो जल्दी खाएगा वो ही चैलेंज जीतने वाला है, तो चलिए देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो फ्रेंड्स एक प्लेट में 10 मोमो हैं और देखते हैं कौन जल्दी खाता है और गर्मा गर्म भी है। तो मोमोज काफी टेस्टी है और गर्मा गर्म है, फिर भी जीतने की कोशिश रहेगी क्योंकि चैलेंज लिया है। बालिया जी पहली बार खा रहे हैं आप यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल पहली बार खा रहा हूँ, काफी जो लाजवाब है टेस्ट के मामले में, अक्सर खाते रहते हैं मोमोज, लेकिन बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने बताया थे, काफी जो काफी सालों से जो काफी पुराना जो यहाँ पे मोमोज तैयार करते हैं। और एक खास बात यह कि आज तक कभी भी जो इतने सारे मोमोज नहीं खाए हैं, मैक्सिमम चार या पांच या छह इस ज्यादा कभी नहीं खाए, देखे ना जिस तरह से टेस्ट है, खाने का मन कर रहा है, देखते हैं कितना खा पाता हूँ। तो देख सकते हैं शिव बालिया जी जो है वो फास्ट फास्ट खा रहे हैं और मैं धीरे खा रही हूँ।
वैसे मोमोज कभी खाए नहीं है, लेकिन कोशिश है। और गर्म भी बहुत है, इसलिए मैं धीरे कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप भी मोमोज का लुत्फ उठाना चाहें, अगर आप पालमपुर आते हैं घूमने फिरने के लिए, अगर आप जा रहे हैं सोरवन बिहार की तरफ जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं सूद मोमोज कॉर्नर, जो कि लोहना पालमपुर सड़क के साथ ही इनकी जहाँ पे शॉप है, विजिट आप कर सकते हैं। बाकी जो इनका एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कविता जी आप डाल देंगे, ताकि लोग यहाँ पे पहुंचे। तो बहुत सारे लोगों को, पालमपुर वासियों को पता भी है, अगर उन्होंने एंजॉय किए हैं तो वीडियो को शेयर करें। और अगला चैलेंज जो है मैं आपके साथ भी करूंगी, क्योंकि अगर जो ज्यादा शेयर करेगा मेरे वीडियोस को, मैं उसको अपने साथ लेके आऊंगी। और ये चैलेंज जो है, कोई भी चैलेंज हो सकता है, आपके साथ भी करूंगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी चैलेंज लेना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं कि किस तरह का चैलेंज आप करना चाह रहे हैं, किसी में किस काम में आप माहिर हैं, कौन सी जो आपका जो फेवरेट फूड आपका है, आप बता सकते हैं हिमाचली फूडी क्वीन कविता जी को, उनके साथ चैलेंज आप ले सकते हैं। तो फाइनली 3 मोमोज अभी शेष रह गए हैं, और भी खाने का मन कर रहे हैं। कविता जी थोड़ी तेजी से खाइए आप, थोड़ा स्लो चले हैं, बराबरी पहुंच गए, मुझे तो भागना पड़ेगा तेजी से साथ। पता नहीं, चलो बातों बातों में कब कविता जी ज्यादा मोमोज खा गए, मेरे तब ध्यान नहीं गया, अभी देखा दिया तो बराबर हो गया मोमोज। हाय, बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी खाने की, पर मैंने भी आज तक इतनी फास्ट कभी खाना नहीं खाया, और बात चैलेंज की आती है तो फिर हमें दुगनी तेजी से भागना पड़ता है। थोड़ा सा बोलते रहो ना, मेरी बराबरी। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा खाने की तरफ, क्योंकि अगर मैं बोलता चलूंगा तो लगता है कि हारने की कगार पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, अब जोगिंद्रनगर से पालमपुर पहुंचे हैं तो जोगिंद्रनगर की लाज रखना पड़ेगी थोड़ी सी, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो कविता जी बिल्कुल बराबरी मेरे साथ पहुंच गए। तो सारे के सारे मोमोज मैं यहाँ पे खा चुका हूँ, और अभी आप ही डिसाइड करें कौन जीता रहा। मैं भी खा चुका हूँ, ये देखिए पानी पी रहे हैं। फाइनली ये चबा रहे हैं। और नहीं नहीं, मैं खा चुका हूँ काफी देर से, मैं काफी देर से खा चुका हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप ही बता सकते हैं कि ये चैलेंज जो है वो कौन जीता है, तो ये कमेंट करके आप बताएं, ये हम नहीं बताएंगे कौन जीता है, तो आप बताएं, इसका निर्णय आप ही करेंगे, निर्णय आप करेंगे। और जो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करेगा, उसके साथ ही मैं एक चैलेंज जो है वो लेके आऊंगी, एक अलग फूड का, एक जो है फेमस शॉप पर फेमस डिश का। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, चैलेंज के साथ।